सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ के पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लोग अपने अपने आशियाने को खुद ही उजाड़ने लगे हैं, ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि वहाँ के हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो जिसमें एक ग्रामीण बढ़ते जलस्तर के डर से खुद अपने आशियाने को उजाड़ रहा है। आज एक पत्र कार्यालय सहायक अभियंता तृतीय सीतापुर प्रखंड शारदा नहर के द्वारा जारी किया गया, जिसमें नदियों के बढ़ते जलस्तर का जिक्र किया गया। ये पत्र बताता है कि गोमती नदी, नीमसार, शरायन नदी, कैची पुल सीतापुर, चौकी नदी महमूदाबाद बांध, चौका नदी, कनरखी, घाघरा नदी, अंगरौरा नदियों का जलस्तर बताता है। इसी तरह बनबसा बैराज, शारदा बैराज, गिरजा, घाघरा बैराज से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी के बारे में भी बताता है। आपको बता दें कि विकासखंड रामपुर मथुरा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को आज छू गया है। खतरे के निशान का मापदंड 119 मीटर है, जो आज घाघरा ने छू लिया और अधिकतम जलस्तर 120.7 मीटर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से करीब 2 दर्जन से अधिक गांव पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गाँव अखरी, अंगरौरा, शंकरपुर, फतुल्लापुर, फतेपुरवा, बाबा कुटी, नवीन, मनेरा, पंडितपुरवा, लिलईपुर, बलेसरपुरवा समेत गांव का अस्तित्व मिटने की कगार पर है और वहां के ग्रामीण अपने आशियाने को खुद ही तोड़ने को मजबूर हैं। कृषि योग्य भूमि भी नदी में समाहित हो चुकी है, ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। आइए आपको सुनाते हैं बढ़ते जलस्तर पर ग्रामीणों ने क्या कहा और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? छोटे लालो। अच्छा, क्या क्या समस्या इसमें बताएगा? समस्या का भैया देखत है ना, किनारे घर है ना, कटान पर ही है। हाँ। और सैलाब आ जाए तो न कोई और निकास है, न कहूँ जाए और रास्ता है, और ना यहाँ कुछ बनन पावत है लौट कहाँ। हाँ। और बंधा पर यहाँ जाए थे तो वहाँ हम सब परे रहे थे, यहाँ सामान सब ऐसे पर ही रहा था। अच्छा। और इन्हें सब परेशानी है, बनाओ खाए ठो नहीं रह गया था, तो चार चार पाँच पाँच मिनट तक चूल्हा नहीं बना, और लाइटें 30-40 ऊर्जा आए रहें तो वो प्रधान कहन के ऐसा बंधा पर जो कोई घर बनाई तो हुआ उसका मतलब लगवावा जाए, और जितने नदी किनारे उनका ऊर्जा ऊर्जा मिली ना कुछ। क्या नाम है दादा? अशोक कुमार अवस्थे। अच्छा, क्या समस्या बताओ इसमें दादा? समस्या यहाँ है कि जगह नहीं मिल रही है कहूँ, और जो है नदी बाढ़ रही है, और लाइट पैट के कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हाँ। और कौन कौन सी समस्या आ रही है? यही तन की समस्या है, जगह मिल जाए कहूँ, घर कुड़िया बनावा जाए, कहाँ किन जाए। अब देखिए घाघरा के बढ़ते जलस्तर पर बाढ़ क्षेत्र पहुंचा इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के विकासखंड रामपुर मथुरा बाढ़ क्षेत्र अंगरौरा और मिश्रणपुरवा के पास में। आप देख सकते हैं सरयू का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। आज से आज सुबह की स्थिति जो देखा गया है, जो आज गिरजा बैराज, बनबसा बैराज व अन्य बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसको देखते हुए आपको बता दें कि आज जो सेंटीमीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह सेंटीमीटर जो लगा हुआ है, ये 119 सेंटीमीटर पर पहुंच चुका है, जो लाल निशान बताया जाता है। लाल निशान के पास में सरयू का जलस्तर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से आप देख रहे बहुत तेज़ी से इंडिया आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है 119 पर जो सरयू का जलस्तर पहुंचा हुआ है। और आपको बता दें कि अगर जो इसी तरीके से आज सरयू का जलस्तर बढ़ता गया तो ग्राम पंचायत अखरी के बाबा कुटी, शंकरपुरवा और अखरी, बगस्ती, क्योंड़ा, शुकुलपुरवा, कनरखी, रामरूपपुरवा, झगटूपुरवा, बिंद्रापुरवा, पाशिनपुरवा, विश्वेश्वरपुरवा, अटौरा, मनेरा और इत्यादि सारे गांव जो जिनकी आबादी 20,000 से 25,000 है लगभग, ये सभी गांव आज शाम तक पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। यहां पर कोई भी अभी तक तहसील प्रशासन की तैयारियां नज़र नहीं आ रही हैं। आज सुबह से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, अगर जो इसी तरीके से जल स्तर बढ़ता रहा तो समय आने वाला है वह बहुत ही भयानक होने जा रहा है, बहुत भयावह स्थिति लेगा
और 20 से 25,000 की आबादी डूब जाए, पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी, पलायन लोगों को करना पड़ेगा। तहसील प्रशासन की कोई भी तैयारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से आपको आज आई इंडिया बता रहा है लगातार और दिखा भी रहा है कि किस तरीके से सरयू का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जल स्तर बढ़ता रहा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लोगों को पलायन करना पड़ेगा, जानवर के लिए भूसा चारा पानी व्यवस्था सारी करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड 9th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट 3rd रैंक इन सिटी। Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in Central Government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।